हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह हाजिर हूं आपके लिए एक नया प्रश्न लेकर के आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। इसमें आपको जो प्रश्न है स्क्रीन पर देखिए दिखाई दे रहा है, कुछ नवीन नैतिक मूल्यों जैसे कि प्रतिबद्धता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व आदि प्रशासकों की कार्य शैली को ठीक करने हेतु उनकी आचार संहिता में सम्मिलित करना आवश्यक है, क्यों? अब आप देखिए कि जो प्रश्न है आपके सामने लिखा हुआ है कि कुछ नैतिक मूल्यों जैसे कि प्रतिबद्धता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व। नैतिकता के मूल्य हैं कौन कौन? एक है प्रतिबद्धता, प्रतिबद्धता, प्रतिबद्धता है। दूसरा है पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब तो समझते ही होंगे क्या है। पारदर्शिता में होता है किसी कार्य को जब करते हैं तो खुलापन होना चाहिए उसमें। अगला है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व ये क्या है? आपके नैतिकता के प्रमुख मापक हैं। नैतिकता के प्रमुख क्या है? नैतिक मूल्य के प्रमुख मापक हैं। उत्तरदायित्व आदि प्रशासकों की कार्यशैली को ठीक करने हेतु तो उनकी आचार संहिता में सम्मिलित करना आवश्यक है, क्यों? प्रश्न पूछ रहा है क्या प्रतिबद्धता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व आदि प्रशासकों की कार्यशैली को ठीक करने हेतु आचार संहिता में सम्मिलित करना आवश्यक है। तो प्रश्न विचार देखिए, सूचना व संचार युग में लोकतांत्रिक स्वरूप व सामाजिक मान्यताओं में बदलाव आ रहा है, इससे लोगों की उम्मीदें बढ़ रही हैं, किंतु इसके विपरीत लोक सेवकों व नागरिकों के मध्य अलगाव की स्थिति भी बन गई है। इस तरह से इससे लोक प्रशासन के औचित्य, विश्वसनीयता, वैधता पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। लोक सेवक व जनता के मध्य की दूरी को दूर करने हेतु आचार संहिता में उक्त गुणों को सम्मिलित करना आवश्यक है। ये जो है आपका ही प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है? इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है? मिलते हैं उत्तर होगा। ये क्या कह रहा है? एक अच्छे नागरिक समाज में सुरक्षा हेतु प्रशासनिक मूल्यों का पालन होना आवश्यक है। इन मूल्यों में सत्यनिष्ठा के साथ उत्तरदायित्व, प्रतिबद्धता, पारदर्शिता, निर्णय क्षमता आदि है। इसको आचार संहिता में सम्मिलित करने से सकारात्मक, उत्साहजनक परिणाम आएगा। अगर आप कभी भी नैतिकता के लिए किसी ऐसे पहलू को शामिल करते हैं जो समाज का उत्थान करेगा, तो उससे जो है क्या होता है, लोग एक अच्छा एक नागरिक जो है उच्च चर्चा अधिकारी बन सकता है, उच्च अधिकारी बन सकता है, इस तरह से आचरण का अधिकारी बनता है। और यही अधिकारी जो है आपके नैतिक कर्तव्यों का क्या करेगा, विकास करेगा। ये क्या करेगा? आपके नैतिक कर्तव्यों का विकास करेगा। वर्तमान में भारतीय प्रशासन में उत्तरदायित्व की सर्वाधिक आवश्यकता है, क्योंकि अधिकारी वर्ग पद पर रहते हुए कर्तव्य का पालन तो करते हैं, किंतु इसका उत्तरदायित्व वे अपने उच्च अधिकारियों या अधीनस्थ पर टालने का प्रयास करते हैं। जैसे आप दरोगा के पास जाते हैं कोई शिकायत लेकर, तो दरोगा ये कहता है कि मेरा काम नहीं है, एसपी साहब का काम है। एसपी साहब के पास गए तो एसपी साहब कहे नहीं नहीं डीएम साहब का काम है, और डीएम साहब के पास जाएंगे तो कहने नहीं मुख्यमंत्री के यहां से ऐसी सूचना आया है कि इस चीज का पालन करेंगे। इन समस्त पहलुओं को वहां पर दिखाया जाता है, किंतु इसका उत्तरदायित्व तो अपने उच्च अधिकारियों पर टालने या अधीनस्थ पर टालने का प्रयास करते हैं। जैसे किसी योजना को पूर्ण व कुशल तरीके से लागू करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में उत्तरदायित्व से बचते हैं। उत्तरदायित्व के साथ प्रतिबद्धता का होना आवश्यक है। वास्तव में ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। उत्तरदायित्व और प्रतिबद्धता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसमें प्रतिबद्धता प्राथमिक है। वस्तुतः प्रतिबद्धता जो है व्यक्तिगत मूल्यों
मूल्य ही न रह करके अब वह सामाजिक मूल्य हो गया है। प्रतिबद्धता लाने हेतु आचार संहिता में जहां एक ओर विधेयन की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन की शिथिलता को दूर करना भी आवश्यक होता है। शासन एवं प्रशासन तंत्र में पारदर्शिता के अभाव से भ्रष्टाचार का अवसर मिलता है। इससे योजनाएं के बारे में व उसे लागू करवाने हेतु उत्तरदायित्व अधिकारी की जानकारी नहीं मिल पाती है। इसके निवारण हेतु आचार संहिता में इन गुणों को सम्मिलित करने के साथ साथ व्यापक प्रचार प्रसार जैसे साइन बोर्ड पर योजनाओं का नाम व उसके हेतु उत्तरदायित्व अधिकारी का फोन नंबर अंकित कराया जाना आवश्यक है। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत से ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिसे ग्रामीण स्तर पर लोग उसको नहीं जान पाते हैं, जो न्यूज़पेपर हमेशा नहीं पढ़ते उनको नहीं पता होता है। ऐसे में अधिकारियों को यह जानना आवश्यक होता है, जनता को जनवाने के लिए आवश्यक होता है कि जगह जगह साइन बोर्ड लगाए जाएं, पेपर और टीवी में उसका एड दें, जिससे अधिकारी आसानी से इस बात को समझ कर जनता इस बात को आसानी से समझ सके। अब सुशासन को ग्राफ द्वारा अगर देखेंगे, सुशासन के बाद देखिए शासन के तीन अंगों, शासन के कितने अंग होते हैं, तीन अंगों में संतुलन एवं प्रशासनिक नैतिक मूल्यों का सुनिश्चित होना आवश्यक है। इसमें क्या है, सत्यनिष्ठा के साथ उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, प्रतिबद्धता। उत्तरदायित्व क्या है, अधिकार में रहते हुए कर्तव्य पालन, किंतु ज्येष्ठ या कनिष्ठ अधिकारी पर उत्तरदायित्व। प्रतिबद्धता, उत्तरदायित्व और प्रतिबद्धता एक सत्य के दो पहलू हैं। प्रतिबद्धता व्यक्तिक के साथ सामाजिक मूल्यों में जुड़े होते हैं। पारदर्शिता की बात करें, तथ्यों को छिपाया जाना भ्रष्टाचार है। तथ्यों को छिपाया जाना क्या है, भ्रष्टाचार होता है। कितनी वैकेंसी निकली, कितनी वैकेंसियों का क्या करना है, इन समस्त चीजों को उसमें दिखाया जाता है। इसके बाद होता है कि आचार संहिता में सम्मिलित करना आवश्यक है। आचार संहिता में किन किन चीजों को सम्मिलित करना है, अधिकार में रहने हुए कर्तव्य पालन, किंतु ज्येष्ठ या कनिष्ठ अधिकारी के उत्तरदायित्व को उसमें जोड़ना जाना चाहिए, और भ्रष्टाचार को छिपाया जाना, भ्रष्टाचार का सकारात्मक और उत्साहजनक परिणाम आएगा। अगर आप इन सब चीजों को पारदर्शिता रखेंगे तो भ्रष्टाचार क्या होगा, छुप जाएगा, और भ्रष्टाचार के निवारण में जो है सकारात्मक और उत्साहजनक परिणाम भी आएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो आपने अभी प्रश्न देखा कि सुशासन की बात कर रहे थे हम लोग, कि कुछ नवीन नैतिक मूल्य जो जैसे प्रतिबद्धता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व आदि प्रशासकों की कार्यशैली को ठीक करने हेतु उनकी आचार संहिता में सम्मिलित करना आवश्यक है। क्यों, इन सब बातों का उत्तर इन समस्त पहलुओं से आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।